हेलो स्टूडेंट्स बेटा, लास्ट वीडियो में हमने आपकी एक्सरसाइज 1.2 के चार क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं और वो हमसे क्या कह रहा है फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए। द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ आर इन प्रोपोर्शन। मून और अर्थ के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट का जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहता है, प्रोपोर्शन में रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी है, मान लीजिए कोई पर्सन है एक्स वाई जेड, कोई एक्स पर्सन है, उसका मून पर वेट कुछ है, अर्थ पर मान लीजिए 75 है, और उसी का ये एक्स ऑन अर्थ है और ये एक्स ऑन मून है। ठीक है, और उसका यहाँ पे मान लीजिए एक बार मान लेते हैं, ठीक है, कंसीडर कर रहे हो, तो ये कितना है 15 है। ठीक है, और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है, इनका जो रेशियो बन रहा है वो 75/15, इनका जो रेशियो बनेगा दैट विल बिकम 5:1। और इधर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है वाई, उसका अर्थ पर जो वेट है, ठीक है, मान लेते हैं दैट इज 100। ठीक है, तो वाई और मून क्या हो जाएगा 20 इस तरीके से। तो सो अपॉन इनका जो रेशियो रहेगा वो 20 दैट विल आल्सो बिकम 5:1। तो रेशियो मतलब क्या, प्रोपोर्शन में है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ और मून पर, दूसरे ऑब्जेक्ट का अर्थ और मून पर से जो रेशियो वो क्या है, प्रोपोर्शन में है। ठीक है, इस तरीके से वो ये कह रहा है कि प्रोपोर्शन में है। चलिए आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है ऑन अर्थ इज 78 kg। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो अर्थ पर वेट है वो कितना है, 78 kg है, और मून पर कितना है, 13 kg। तो सबसे पहले आप राइट डाउन कर लेते हैं ना, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इक्वल्स टू 78 kg। कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक्स वाई जेड भी करना है ना, और इसी का वेट और मून क्या है, वेट ऑफ सेम ऑब्जेक्ट ऑन मून, इक्वल्स टू 13 kg। ठीक है, नेक्स्ट कहता है इफ आनंद वेट्स वेज 45 kg ऑन अर्थ। अब आनंद का वेट कह रहा है ना, इनका जो रेशियो होगा, ठीक है, इनका जो रेशियो होगा, आगे कह रहा है एंड आनंद वेट ऑन अर्थ, अर्थ पर जो उसका वेट है आनंद का वो है 45 kg। तो हमसे क्वेश्चन पुट करता है, हाउ मच विल ही वेट ऑन द मून, मून पर आनंद का वेट क्या हो जाएगा। लेट कर लेते हैं, लेट आनंद वेट ऑन मून, लेट आनंद वेट ऑन मून, मून पर मान लेते हैं उसका वेट कितना है, एक्स के जी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें, ये क्या है आपस में बेटा, आपस में ये क्या है, प्रोपोर्शन में है। ये दोनों का रेशियो, इन दोनों के रेशियो के प्रोपोर्शन में होगा, 78:13 प्रोपोर्शन होगा 45:x से। ठीक है, देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या है, प्रोपोर्शन की, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, इसको नीचे लिख दीजिए, आगे हमें जरूरत पड़ेगी इस केस में ना, बाय प्रॉपर्टी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 78 × x। ठीक है, यहां पे सेवेंटी एट इंटू एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 30
ठीक है। अब आप भी जानते हैं ये मल्टीप्लाई है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। वेरिएबल एक तरफ रहेगा, कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, और कांस्टेंट मल्टीप्लाई में तो कहा जाएगा डिवाइड में, तो 13 × 45 विल बी डिवाइडेड बाय 78। 13 × 13 = 78 लीजिए, तो 45 × 1 = 45 डिवाइड बाय 6, ये हमारे एक्स की वैल्यू है। अभी इसको और कट करेंगे, तो x आ गया 45 डिवाइड बाय 6, या फिर हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो 15 × 3 = 45 2 × 3 = 7.5। अब x 7.5 है और x है क्या, आनंद वे टू मून, देयरफॉर आनंद वेट ऑन मून will be 7.5 kg unit measures of the earth। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, लीजिए हमारी 8.2 एक्सरसाइज भी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब हम कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। लीजिए अब देखिए एक्स्ट्रा कंसेप्ट में 8.2 एक्सरसाइज है ना, अभी खत्म हो चुकी है, तो चलो अब 8.3 के कंसेप्ट है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट बाद में करेंगे, पहले हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन करते हैं। ठीक है, लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके एक एग्जांपल दे रहे हैं, देखिए वेट ऑफ अनियन इन केजी, ठीक है, एंड कॉस्ट, उसकी कॉस्ट दे रखी है, टेबल बना रखी है, ठीक है। अगर मैं 1 kg अनियन की बात करूं तो उसकी कॉस्ट कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज 20 रुपीज, कॉस्ट इन रुपीज है ना, तो 1 kg अनियन की जो कॉस्ट है वो हमें कितनी लग रही है बेटा, 1 kg अनियन की जो कॉस्ट हमें कितनी लग रही है, रुपीज 20 लग रही है। ठीक है, अगर मैं यही बात कहूं कि 2 kg अनियंस हो जाए, यहां पे 2 kg, अब थोड़ा ध्यान देना, जैसे ही 2 kg अनियंस होंगे तो यहां पे क्या हो जाएगी, 22 = 40, 20 + 20, फिर यहां पे 3 हो जाएंगे तो उसकी कॉस्ट हो जाएगी 60। अगर 4 kg अनियंस हो जाएंगे उसकी कॉस्ट हो जाएगी 80, अगर 5 kg अनियंस है तो उनकी कॉस्ट हो जाएगी 100। अब यहां पे देखना आपने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां भी क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अगर आपने इसको क्या किया, देखो नेक्स्ट वाले में 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो देख लो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये, अगर आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 1 × 4 = 4, तो यहां भी देखिए 20 को भी क्या करना पड़ रहा है, 4 करना पड़ रहा है, फिर आपने लास्ट में 1 × क्या कर दिया है,
फाइव के जी आ गया, तो यहाँ पे 22 आपने क्या कर दिया है 5, तो ये 100 हो गया। मीन्स टू से दोनों जो हमारे वेट है, अनियन का जो वेट है और जो कॉस्ट है, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, सेम चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेम चीज से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जहां सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, वो होता है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। वो हमारा क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, जहां हम क्या करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों चीजों को, दैट विल बिकम आवर डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाता है। और यही हम क्या करें, अब दूसरा इसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये चीजें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। सेम चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसे भी सेम ही चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कॉस्ट को भी, मेरा अनियन की जो कॉस्ट 1 kg अनियन तो उसकी कॉस्ट 20 है, अगर मैंने 2 kg कर दिया तो उसकी कॉस्ट 40 हो गई, तो ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन। चलिए अब इनडायरेक्ट की बात करें तो देखते हैं उसमें क्या होता है ना। इनडायरेक्ट इट मीन्स जो यहां हुआ उसका तो क्या होने वाला है, बिल्कुल उल्टा ही होने वाला है। लेकिन समझते हैं कैसे होगा बेटा, देखिए स्पीड और टाइम टेकन एक एग्जांपल दे रखा है। अब मैं बात कर रहा हूं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, यहां पे स्पीड है ठीक है और यहां पे टाइम टेकन है। टाइम टेकन आवर्स ठीक है, मिनट्स से चलो, मिनट्स में टेबल बना, ठीक है ये हमारे पास क्या हो गया टेबल, वो 5 किलोमीटर पे है ठीक है, कोई भी पर्सन 5 किलोमीटर पे है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया ठीक है। उसको जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 60 मिनट्स लग रहे हैं। अब इधर देखिए उसने क्या किया, स्पीड को यहां पे डबल कर लिया। अब स्पीड मतलब स्पीड को बढ़ा देना, आप धीरे धीरे चल रहे हैं आपको टाइम ज्यादा लग रहा है ना, आपने अपनी स्पीड बढ़ा दी है तो आपको अब टाइम कम लगेगा ना। जैसे आप वैन में बैठते हो, स्कूल की वैन है बेटा, स्कूल की वैन में आप जाते हो तो जैसे अगर वैन बिल्कुल धीरे चल रही है तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, इसीलिए आप कई बार कहते हो भैया थोड़ा तेज चला लीजिए है ना। तो इसी के लिए क्या हो जाएगा, टाइम जैसे स्पीड बढ़ती है, भैया तेज करते हैं वैन की स्पीड को, तो वैसे टाइम आपका क्या हो जाता है, कम कंज्यूमर लग जाता है ना। तो इसी से रिलेट हो गया, ये क्या हो गया उल्टा चल रहा है भाई। अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था तो टाइम कितना लग रहा था, 60। अब उसने अपनी स्पीड को डबल कर लिया तो यहां पे क्या हो गया, ये आधा टाइम लग जाएगा, टाइम आधा लगेगा, सीधी सी बात है। फिर उसने अपनी स्पीड को 3 टाइम्स कर लिया ठीक है, तो यहाँ पे फिर स्पीड भी बेटा क्या हो जाएगी, बस हो जाएगी, यहाँ पे कितना लग जाएंगे, 20 मिनट्स लग जाएंगे इस तरीके से ठीक है। आप समझ रहे हैं, आगे भी अगर वो क्या करता है अपनी स्पीड को 30 कर देता है तो ये 36 टाइम हो गया। देखो उसने एग्जांपल दिया 30, आप यहाँ पे 20 ये 4 टाइम्स किया तो यहाँ पे कितना लग जाएंगे, 15 मिनट्स लग जाएंगे ठीक है। फिर उसने यहाँ पे 30, अब 30 कितने टाइम्स है, 5, 6 चार, तो इसका 10 मिनट्स लग जाएंगे ठीक है इस तरीके से। अब तो यहां देखा जाए, इसका मतलब यहां देखा जाए, मैंने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 60 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/2 से। मैंने जब 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 बना, लेकिन यहां मुझे 60 को किससे करना पड़ा, 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्योंकि 60 × 1/3 क्या लाएगा, 20 मिनट्स लाएगा। मैंने 5 को मल्टीप्लाई किया है 4 से, इन दैट केस मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1/4 से। सिमिलरली मैंने यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई किया किससे बेटा, 6 से, इन दैट केस मुझे इसको 1/6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक है। इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, 1/6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। ये हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट मतलब ऊपर तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे क्या हो रहा है, 1/2 से मल्टीप्लाई, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे 1/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे 1/4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो नीचे क्या हो रहा है, 1/6 से मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक है।
चलिए, तो ये हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं, एक क्वेश्चन भी करवाता हूं मैं आपको, देखना है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें वो ये पूछना कि आप फर्स्ट क्वेश्चन है जो 8.3 का, उसमें बताइए डायरेक्ट है कौन सा और इनडायरेक्ट कौन सा है। चलिए, द नंबर ऑफ वर्कर्स, फर्स्ट मैं रीड कर रहा हूं पेज नंबर 147, 8.3 एक्सरसाइज। द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब। एक तो है नंबर ऑफ वर्कर्स, एंड दूसरा है टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब। अब इन दोनों में बताना है, ये जो बनेगा ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनेगा या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन बनेगा। अब ये तो कॉमन सी बात हो गई बेटा, नंबर ऑफ वर्कर्स आप जितने ज्यादा बढ़ाओगे टाइम उतना ही कंप्लीट जॉब को, मतलब किसी भी काम को करने में टाइम क्या होगा उतना ही कम लगेगा। आप नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ाते जाओ टाइम उतना कम लगेगा, जल्दी जल्दी काम होगा। आप वर्कर्स को कम करते जाओ, वर्कर कम करते जाओ तो टाइम का टाइम बढ़ने लग जाएगा ना, क्योंकि वर्कलोड बढ़ जाएगा। कम पर्सन पर क्या होगा, कम पर्सन पर क्या आ जाएगा, वर्कलोड हो जाएगा ज्यादा। तो जैसे ही नंबर ऑफ वर्कर्स कम होते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है किसी भी काम को पूरा करने में, जैसे ही नंबर ऑफ वर्कर्स ज्यादा हो जाएंगे तो टाइम उतना ही क्या लगेगा कम, क्योंकि काम बढ़ जाएगा, है ना। जैसे आप घर पे दो भाई बहन हो तो अगर आप अकेले करते हो तो टाइम ज्यादा लगता है ना, और अगर आप दोनों मिलकर किसी उसी काम को कर लेते हो तो टाइम आपको क्या लगेगा कम। तो ये रीजन है यहाँ पे, अगर नंबर ऑफ वर्कर्स ज्यादा है किसी कंपनी में तो किसी भी काम को करने में टाइम क्या लगता है कम लगता है। तो अगर ऊपर मल्टीप्लाई टू कर रहा हूं तो नीचे हाफ से मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरीके से समझे तो भाई ये क्या हो रहा है, ये तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। एक तरफ तो हम बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ वो कम हो रहा है। पर्सन को बढ़ाए तो टाइम कम लगता है, पर्सन को कम करे तो टाइम ज्यादा लगता है, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन। तो दिस इज द इनवर्स प्रोपोर्शन, इसमें आप डायरेक्ट लिख लेना इनवर्स प्रोपोर्शन या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड, टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। आपकी स्पीड कॉन्स्टेंट है, ठीक है, आप किसी जर्नी पर जा रहे हो, आपकी स्पीड आप कम नहीं कर रहे हो, ज्यादा नहीं कर रहे हो, आप डिस्टेंस आपने मैटर कर रहे हैं, डिस्टेंस और टाइम के बीच में बताना है, ठीक है, डिस्टेंस एंड सेकेंड वन इज टाइम। मैं मेरी बात सुनो, डिस्टेंस 10 किलोमीटर है मान लीजिए और आपको लगते हैं आप मान लीजिए आधा घंटा लगा रहे हैं, ठीक है, हाफ एन आवर, ठीक है। अगर आपने डिस्टेंस 20 किलोमीटर कर ली है, डबल कर ली है, तो टाइम भी डबल ही लगेगा ना, डिस्टेंस ज्यादा तो टाइम भी क्या होगा डबल हो जाएगा, तो वो टू इंटू हाफ क्या हो जाएगा, वन आवर हो जाएगा। अगर आपने 3 times कर ली है तो इसका भी 3 times मतलब 1.5। तो जैसे आप ऊपर जा रहे हैं टाइम बढ़ा रहे हैं, वैसे ही जैसे ही डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं वैसे ही टाइम बढ़ रहा है, जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रही है टाइम बढ़ रहा है। तो ये क्या है बेटा, ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, मतलब दोनों को बढ़ाए तो दोनों दूसरा भी बढ़ रहा है, एक को बढ़ाए तो दूसरा बढ़ रहा है, दूसरे को कम करे तो पहले वाला भी कम हो रहा है, मतलब ये क्या है, दोनों सेम चल रहे हैं, तो ये क्या होगा हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। इसमें आप लिखेंगे आंसर, ये क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। चलिए सी की बात करते हैं, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी, किसी भी फिक्स जर्नी के लिए जो टाइम लिया जाता है और उसकी स्पीड की बात करें, तो देख लीजिए स्पीड और टाइम की बात हो रही है, ये तो मैंने आपको भी बताया ये क्या होता है, स्पीड आप जैसे बढ़ाओगे टाइम उतना कम लगेगा, स्पीड आप कम करोगे तो टाइम क्या लगेगा ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये तो फिर से क्या हो गया, इनवर्स कह लो या फिर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कह लो। तो ठीक है, फर्स्ट आपका इनडायरेक्ट है, बी आपका क्या है डायरेक्ट है, सी भी आपका क्या है इनडायरेक्ट है, ठीक है। ये आपका 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, हम कल सेकंड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।